हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए गैनिक वुमन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है कुमार पाम स्प्रिंग टावर्स एट NIBM NX इन पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये करीबन 9.5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें डेवलपर ने कुछ टावर्स अभी लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ये एलिवेशन है कुमार पाम स्प्रिंग टावर्स, जो कि 9.5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे, इट्स अ क्लस्टर्स ऑफ टावर, मेनी टावर्स आर देयर इन दिस प्रोजेक्ट। जिसमें पूरे प्रोजेक्ट में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्राउंड प्लस 14 हैबिटेबल फ्लोर्स दिया गया है, और हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो लाइफस्टाइल जो मिलता है वो रिसोर्ट टाइप लाइफस्टाइल मिलता है, और इसका लुक जो है और फील जो है किसी रिसोर्ट से कम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और एक टावर का पोजीशन दे दिया गया है जो कि टावर नंबर A6 है, और टावर नंबर A7, B3, A5 और A4 ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन में है। A7 का तो अभी 2 महीने में पोजीशन दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट में दोस्तों 2 लेवल पोडियम पार्किंग दिया गया है, और आप सामने जितने भी एमिनिटीज देख रहे हैं वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है, तो इसके नीचे जो भी होगा वो पार्किंग लेवल होगा। और बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर से स्काई ब्रिज होगा, जो कि स्काई ब्रिज आपको सीधा एमिनिटी जोन पर लेकर आता है। और यहाँ पर दोस्तों एमिनिटीज एरिया करीबन 80,000 स्क्वायर फीट एमिनिटीज एरिया दिया गया है, 9,500 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस एरिया दिया गया है, और इसके अलावा कुछ मल्टीपर्पज कोर्ट है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 30% स्पेस जो है वो कंस्ट्रक्शन में लिया गया है, और 70% स्पेस जो है वो ओपन रखा गया है रिक्रिएशन के लिए और एमिनिटीज के लिए। तो दोस्तों ये मास्टर लेआउट है प्लॉट का, जहाँ पर आप देखेंगे ऊपर के तरफ जितने भी बिल्डिंग्स है इसमें से करीबन 5 बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारा फ्यूचर डेवलपमेंट है। और सेंटर में आप देखेंगे ये जो है सेकेंड लेवल पर एमिनिटीज बना हुआ है, और इसके नीचे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जो होगा वो पार्किंग के लिए दिया गया है। और कुछ एमिनिटीज आप देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर जो है, दिस इज मल्टीपर्पज कोर्ट जो के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों वो A6 के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पर ये बिल्डिंग लोकेटेड है A6, उसके बाद A7 जो इस तरफ लोकेटेड है, उसके बाजू में यहाँ पर B3 है, और इस तरफ बिल्डिंग A5 है, उसके बाजू में एग्जैक्टली A4 है। तो ये 5 बिल्डिंग की आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे स्विमिंग पूल को लगकर कुछ सिटिंग परगोलास दिया गया है विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज, और दिस इज क्लोजर इमेज ऑफ द एमिनिटीज। आप स्विमिंग पूल भी देखेंगे, काफी लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है, और ऊपर की तरफ जो ब्राउन कलर का शेड आप देख रहे हैं दैट इज क्लब हाउस एरिया, विच इज 9,500 स्क्वायर फीट क्लब हाउस एरिया दिया गया है। उसके राइट साइड में आप देखेंगे काफी बड़ा सा लॉन दिया है, और फिर नीचे की तरफ राइट साइड में आते हैं तो किड्स प्ले एरिया है, और अगेन एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ सिटिंग परगोलास दिया गया है, और राइट साइड में जो व्हाइट कलर का आप ट्रैक देख रहे हैं दैट इज गोइंग राउंड द एमिनिटीज एरिया, जो कि जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक रहेगा, और विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखने से आपको बिल्कुल रिसोर्ट टाइप फील आएगा इसमें, और क्लब हाउस का भी जो लुक दिया गया है वो रिसोर्ट टाइप लुक दिया गया है। और रात के टाइम दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफ़ी ग्लैमरस लगेगा, स्पेशली जब लाइटें वगैरह जलती है तो इट लुक्स मोर ग्लैमरस। और पीछे की तरफ बिल्डिंग में आप देखिएगा दोस्तों हर एक फ्लैट के साथ में काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है, फ्रंट कट विंडो है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर आप क्लियर इमेज आप देख सकते हैं, जहाँ पर साइड में स्विमिंग पूल के साइड में आप देखेंगे वहाँ पर कुछ सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, और राइट साइड में अगेन सीटिंग डेक है। और बिल्डिंग भी आप दोस्तों देखेंगे, प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम ग्लास फसाड का यूज़ किया गया है, सो बिल्डिंग लुक्स वेरी रिच एंड रॉयल। और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ब्रिज दिया गया है, बिल्डिंग से डायरेक्ट इस एमिनिटी जोन के ऊपर आ सकते हो। तो प्रोजेक्ट दोस्तों ये NIBM NX पर लोकेटेड है इन पुणे, और सराउंडिंग एरियाज आप देखेंगे काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है। तो इस प्रोजेक्ट में दोस्तों स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है, और इस प्रोजेक्ट का नज़दीक का जो लैंडमार्क होगा वो बिज बे, पैलेस ऑर्चर्ड,
या तो आप संस्कृति स्कूल, नियर टू संस्कृति स्कूल भी बोल सकते हैं। तो यूएसपी दोस्तों इस प्रोजेक्ट का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला संस्कृति स्कूल इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक है, बिशप स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, द कॉरिंथियंस रिसोर्ट्स एंड क्लब, डोरबजीज रॉयल हेरिटेज मॉल, क्लोवर हिल प्लाजा, ईमानदार हॉस्पिटल एंड कमांड हॉस्पिटल, सो दीज आर वेरी क्लोज बाय फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, कुमार पाम स्प्रिंग टावर्स। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का यूएसपी अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 मिनट की दूरी पर द कॉरिथिनोज रिसोर्ट्स एंड क्लब है, दौरबजीज रॉयल हेरिटेज मॉल, बिज बे मॉल, डीमार्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड हिल ग्रीन हाई स्कूल। और 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर देखेंगे तो एमजी रोड, कतराज, कोनार्क ई स्क्वायर, रिलायंस स्मार्ट, रूबी हॉल क्लिनिक एट वेनोरी। और 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर आप देखेंगे तो कुमार पैसिफिक मॉल, टर्फ क्लब, पुणे बेंगलुरु हाईवे एंड पुणे सोलापुर हाईवे। और 20 से 30 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप देखेंगे तो फुरसुंगी आईटी पार्क एंड पुणे रेलवे स्टेशन। तो ये सारा यूएसपी दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। और एमिनिटीज जोन में दोस्तों आपको किड्स प्ले पूल, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, सीनियर्स कॉर्नर, फिटनेस स्टेशन, मल्टीपर्पज कोर्ट, टेनिस कोर्ट एंड हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारा एमिनिटी जोन पर दिया गया है। और क्लब हाउस के साथ में आपको बड़ा सा पार्टी लॉन दिया गया है। और दोस्तों फ्लैट के साइजेस भी आप देखेंगे काफ़ी डिसेंट साइज के फ्लैट इसमें दिए गए हैं, जहां पर आपको फायर एंट्रेंस मिलता है, तो यू हैव अ प्राइवेसी इन द फ्लैट, लार्ज साइज बेडरूम और दोनों साइड प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं किचन में, प्लस यूटिलिटी स्पेस होगा। फ्लोर प्लान में दोस्तों हम लोग किसी एक बिल्डिंग को रिफ़र करेंगे तो ये A4 A5 का फ्लोर प्लान है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 BHK जो मिनिमम एरिया है वो 785 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस है 78 लाख इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और मैक्सिमम 2 BHK है वो 810 और 820 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 82 लाख इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और दूसरे बिल्डिंग्स में आपको 3 BHK भी मिल जाएगा, जो कि 1157 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस है 1.17 crore इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों अगर पोजीशन अगर आप देखेंगे तो A6 का जो पोजीशन है वो ऑलरेडी दे दिया गया है, A7 का जो है वो 2 महीने में पोजीशन दे रहे हैं, और B3 का जो है वो दिसंबर 2023 में पोजीशन होगा, और A5 और A4 का जो है वो दिसंबर 2024 में पोजीशन होगा। तो दोस्तों कुमार प्रॉपर्टीज़ के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.